खबर झालावाड़ से। वर्तमान समय में लघु उद्योग बहुत ही खराब है, वह बंदी के दौर से गुजर रहा है। उक्त कथन लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष पुखराज जैन ने लघु जिला स्तरीय बैठक के दौरान एक निजी रिसोर्ट में अध्यक्ष पद से कहे। जिलाध्यक्ष जैन ने कहा कि भारत देश बहुत बड़ा है और एक नियम बनाकर उसमें पूरे देश को ढाला जाए तो उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पर बारीकी से चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि हर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। जैन ने कहा कि हमारा जो माइनिंग क्षेत्र है उसमें हमारी फैक्ट्रियां और कई किलोमीटर दूरी पर है, इसके लिए सरकार को माइनिंग क्षेत्र के आसपास ही औद्योगिक क्षेत्र के आवास की व्यवस्था कर दी जाए तो परिवहन खर्च से निजात मिलेगी और जो हमारा कोटा स्टोन का उद्योग है उसे संजीवनी मिलेगी। पूरे देश में विद्युत दरें पर एक जैसी करनी चाहिए, विद्युत की निर्बाध सप्लाई होनी चाहिए, कोटा स्टोन की रॉयल्टी वापस लेनी चाहिए, डीजल की रेट में सिस्टमैटिक बढ़ावा होना चाहिए। जिलाध्यक्ष जैन ने कहा कि जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास विकसित के लिए चाहिए विद्युतमान कनेक्शन की श्रेणी में परिवर्तित करना चाहिए। राजस्थान में पर्यावरण स्वीकृति लेने के लिए कई साल लग जाते हैं, इसका जो प्रारूप है वह अमेरिका की नकल से बनाया गया है। अभी तक 45 बार संशोधन हो चुका है और अभी भी भारत की भौगोलिक स्थिति में अनुरूप नहीं बन पाया है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की सख्त जरूरत है। बैठक को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लघु उद्योग भारती के केंद्रीय अधिकारी गोविंद राम के कहा कि माइनिंग क्षेत्र के ओवरलोडिंग के प्रमुख समस्या है, सरकार को इस समस्या का निराकरण निकालना चाहिए। रोजगार धंधों को बढ़ावा देने के लिए बिजली की दरों में कमी करनी चाहिए। साथ ही बैठक को संबोधित करते हुए डीआईसी के जनरल मैनेजर हरिओम शर्मा ने कहा कि जीएसटी की समस्या को प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को भेजेंगे। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के सेक्रेटरी सत्यव्रत गुप्ता, कोषाध्यक्ष स्वप्निवल गुप्ता, उपाध्यक्ष राम पाटीदार, प्रदीप जैन, नरेंद्र डांगी, कुलदीप अरोड़ा, कौशल अग्रवाल, सुधीर खंडेलवाल एवं टीवी के डायरेक्टर दिलीप चौधरी आदि मौजूद रहे। क्योंकि झालावाड़ अपना हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और उसको कई राज्यों में बटा हुआ है और उसमें अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं, तो उनकी समस्याएं भी अलग अलग है। हम केंद्र में बैठकर कोई एक नियम बनाकर उसको पूरे देश को अगर एक ही नियम में ढालना चाहे तो वो कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट होगी उससे। इसलिए हमें बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और उन्हीं को वहीं के अनुरूप उसका हल निकालना पड़ेगा। तो जैसा मैंने पहले डिस्कस कर लिया था रोहित नामी भाई साहब से, उन्होंने उसका हल भी बता दिया है लगभग लगभग। फिर भी मैं अपनी तरफ से एक पक्ष रखना चाहूंगा कि हमारे जो माइनिंग क्षेत्र है उससे हमारी फैक्ट्रियां करीबन 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर माइनिंग क्षेत्र के आसपास ही अगर प्लॉट मिल जाए, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जाए, तो जो हमारा परिवहन खर्च है वो बच जाएगा हमारे लिए और उससे करीबन हमारे जो परिवहन लागत में 80% तक कमी आ जाएगी। और जो हमारा कोटा स्टोन व्यवसाय मृत प्राय हो रहा है उसको अपन थोड़ी संजीवनी मिल जाएगी। दूसरा मैंने लिखा था विद्युत संबंधित समस्याओं के बारे में कि पूरे देश में विद्युत दरें एक जैसी होनी चाहिए, किसी देश में 12 रुपए, किसी देश में किसी राज्य में 8 रुपए, किसी में 5 रुपए। तो पूरे अगर आपको कंपटीशन करना है उद्योग को आपस में तो कम से कम विद्युत दरें एक देश में तो एक जैसी होनी चाहिए। क्योंकि झालावाड़ अपना हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और उसको कई राज्यों में बटा हुआ है और उसमें अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं, तो उनकी समस्याएं भी अलग अलग है। हम केंद्र में बैठकर कोई एक नियम बनाकर उसको पूरे देश को अगर एक ही नियम में ढालना चाहे तो वो कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट होगी उससे। इसलिए हमें बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और उन्हीं को वहीं के अनुरूप उसका हल निकालना पड़ेगा। तो जैसा मैंने पहले डिस्कस कर लिया था रोहित नामी भाई साहब से, उन्होंने उसका हल भी बता दिया है लगभग लगभग। फिर भी मैं अपनी तरफ से एक पक्ष रखना चाहूंगा कि हमारे जो माइनिंग क्षेत्र है उससे हमारी फैक्ट्रियां करीबन 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर माइनिंग क्षेत्र के आसपास ही अगर प्लॉट मिल जाए, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जाए, तो जो हमारा परिवहन खर्च है वो बच जाएगा हमारे लिए और उससे करीबन हमारे क्या विभिन्न समस्या जो इस धंधे में आ रही है।
कोटा स्टोन फिलहाल अपनी मंदी के दौर से गुजर रहा है और इसमें अभी उसकी खर्चे बढ़ जाने से उसकी कॉस्ट निकालना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी संदर्भ में हमने हमारी जो केंद्र की समिति है लघु उद्योग भारती, उससे एक तो बिजली की दरों को कम करने के लिए हमने प्रस्ताव दिया है। बिजली की दरें पूरे देश में एक रुपता होनी चाहिए। दूसरा, जो बिजली बार बार कटौती होती है उससे भी हमारे उद्योग को नुकसान होता है, तो एक निर्बाध बिजली सभी उद्योगों को मिले इसके लिए हमने प्रस्ताव दिया है। दूसरा, कोटा स्टोन पर रॉयल्टी की दरें बढ़ा दी गई है, जिससे जिसको कोटा स्टोन सहन करने के लायक नहीं है अभी, उस बढ़ोतरी को वापस लिया जाना चाहिए। इसके बारे में हमने संगठन को कहा है कि वो आगे जाके और इस पर कार्रवाई करें। भारत देश बहुत बड़ा है, एक नियम नहीं चल सकता, किस तरह से क्या रहेगा भाई साहब? ये समस्या बहुत बड़ी हमारे देश की कि हम लोग केंद्र में एक नियम बना देते हैं और वो जबकि भौगोलिक स्थिति पूरे देश की अलग अलग है, तो इसको निचले स्तर पर जाकर जमीनी स्तर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि किस क्षेत्र में क्या समस्या है और उसका निराकरण कैसे होगा। तो उसी को परिभाषित करने के लिए मैंने प्रयास किया है कि झालावाड़ में जैसे खनन क्षेत्र में ही अगर इंडस्ट्री लग जाए उसी के आसपास, तो एक तो हमारी जो उसकी